ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब। बुलंदशहर में 3 दिसंबर को महव गांव में मिले मृत गोवांश के बाद हुए बवाल, हत्याकांड और आगजनी की घटना के पीछे के मुख्य कारणों और हिंसा के भड़कने की वजहों पर अभी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन घटना के मुख्य आरोपियों में से प्रमुख बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज के परिजनों ने आज मीडिया को बताया कि पुलिस बेवजह जायदती कर रही है। पुलिस पर योगेश राज की मां और बहन ने बदतमीजी, दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाते हुए मोस्ट वांटेड योगेश राज को बेकसूर बताया। योगेश राज की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोस्ट वांटेड योगेश राज ने हालांकि आज सोशल मीडिया का सहारा लेकर खुद को बेकसूर बताते हुए एक वीडियो वायरल किया था। कोतवाली सियाना के चिंगरावटी में हुए बवाल में इंस्पेक्टर के मुख्य आरोपियों की लिस्ट में बजरंग दल से ताल्लुक रखने वाले योगेश राज की मां ने बताया कि उनका बेटा निर्दोष है और वो यूपी पुलिस में नौकरी के लिए प्रयासरत है और उसी की तैयारी भी वो कर रहा था, लेकिन फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसकी माँ अपने बेटे को बेकसूर बता रही है। तो वहीं योगेश की बहन ने भी अपने भाई को बेकसूर तो बताया ही, साथ ही उसने पुलिस को आतंकवादी तक भी बता दिया। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज के लिए दीपक शर्मा के साथ। कोई बदतमीजी नहीं की योगेश ने। राज्य पुलिस आई थी उनके साथ, लेडीज पुलिस थी क्या? नहीं, पुलिस केवल जेल्स पुलिस नहीं, हमारे साथ बदतमीजी करी। मेरी चाची के कपड़े फाड़े हैं, उन्हें मार लगाई है, उन्होंने कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। योगेश तो कहीं किसी की बहन बेटी के साथ गलत होता भी नहीं दे सकता, वो तो सबकी रक्षा करता है। यदि कहीं गाय कट रही है तो उनकी भी रक्षा करता। क्या गौ माता नहीं होती? वैसे कहते हैं गौ माता है, वैसे योगी जी भी ये कहते गौ माता है। गौ माताओं को बचाओ, किस तरीके से बचाया जाए? गौ माताओं को और बेटियों को किस तरीके से बचाया जाए? वैसे कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी कहाँ से बच जाएंगी? जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो बेटी बच जाएगी। पति सो रही थी, उसे भी उठा लियो और दोनों को लेकर। अगर हमने जोर जबरदस्ती रोकने की करी कि सर इनकी को बताओ इनकी क्या कसूर है, तो उन्हें हमारे कपड़े फाड़े थे और फिर मेरी एक बेटी उसके भी मारा था। और मेरी इस आँख में देखो कितनी लाली, खून निकलने लगे थे, ऐसे तमाचे मारो, एक लठिया मारी यहाँ, एक यहाँ मारी थी कोख में। और मारने के बाद भी तो ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे आतंकवादी हों, पुलिस वाले हों। मैं ही ना, क्या पुलिस वाले इनकी माँ बहन नहीं है? ये तो बता दो, मेरे बेटा बिल्कुल निर्दोष है। जो किसी ने हमारे ने निर्दोष हुई नहीं करा अपराध, तो हम क्यों दुबकते? ऐसी योगेश को कही जा रही, वो भी मेरा बेटा है, वो भी बिल्कुल निर्दोष है, उसको कोई कमी नहीं है। जो बार बार उसको मुर्जिम ठहराया जा रहा है, क्यों ठहराया जा रहा है ये बता दो। लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा हमको, खूब मारा। मारने के बाद हमें घर में बंद कर दिया क्योंकि भागे नहीं। अरे मेरे इस टाइम पौने बारह बजे आज रात बीत रात कल रात ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब।